पंजाबी फिल्मों का चेहरा रहे और बॉलीवुड फिल्म में नजर आ चुके एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ की चमकीला 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इसे इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है और ये पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की बायोपिक है और इसकी प्रोडक्शंस रिलायंस एंटरटेनमेंट ने की है। लेकिन इस फिल्म के खिलाफ टी सीरीज ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल ये याचिका रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियो को भविष्य में फिल्में रिलीज करने से रोकने के लिए टी सीरीज ने दायर की है। टी सीरीज की ओर से याचिका में कहा गया था कि रिलायंस एंटरटेनमेंट के आने वाली फिल्मों को रिलीज होने से रोक दिया जाए। इसका कारण टी सीरीज ने यह कहते हुए दिया है कि क्योंकि एक लोन एग्रीमेंट यानी कर्ज के समझौते के तहत टी सीरीज ने यह दावा किया कि रिलायंस के आने वाली फिल्मों पर रोक लगाने का अधिकार उसके पास है। दरअसल इस समझौते में कहा यह गया है कि जब तक रिलायंस लोन नहीं चुकाता है तब तक टी सीरीज उन फिल्मों की कमाई पर अपना दावा कर सकती है जो रिलायंस एंटरटेनमेंट कंपनी बनाएगी। अब टी सीरीज ने इसको लेकर रिलायंस के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं वो भी आपको बता देते हैं। टी सीरीज ने तर्क दिया है कि रिलायंस 60,23,73,358 की बकाया राशि चुकाने में विफल रही, जिसका दावा 16 नवंबर 2023 तक कर दिया गया था। इसी डिफॉल्ट की वजह से टी सीरीज ने रिलायंस के आने वाली फिल्मों पर अपना अधिकार और फीस लेने का दावा किया है। फिर चाहे वो ये फीस अकेले अपने दम पर ले या फिर बाकी पार्टनर्स के सहयोग से ले, और इसी वजह से पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की एंट्री भी हुई और इसमें दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म अमर सिंह चमकीला भी शामिल थी। टी सीरीज ने इन फिल्मों को रोकने के लिए मार्च 2023 में रिलायंस के साथ साइन हुए एक लेटर का हवाला भी दिया है और इसी को लेकर पिछले साल नवंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई भी की थी। उस समय रिलायंस के वकील ने कहा था कि वो 2 हफ्तों के लिए किसी भी फिल्म को रिलीज करने और ऐसी फिल्मों से जुड़े राइट्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे। हालांकि ये तर्क भी सामने रखा गया था कि फिल्म अमर सिंह चमकीला WSF यानी विंडो सीट फिल्म्स ने बनाई है और रिलायंस ने इस कंपनी के साथ लाइसेंसिंग को लेकर समझौता किया है, जिसके चलते आगे जाकर नेटफ्लिक्स के साथ ये फिल्म साइन हुई। ऐसे में टी सीरीज फिल्म की कवाई पर दावा नहीं कर सकता है। लेकिन टी सीरीज ने यह आशंका जताई है कि रिलायंस पिछले 5 फिल्मों को रिलीज करने की तैयारी कर रहा है, जहां उनकी पहचान खुद निर्माता के रूप में की गई है। टी सीरीज के वकील ने यह तर्क दिया है कि फिल्म अमर सिंह चमकीला का निर्माण रिलायंस द्वारा WSF के माध्यम से किया गया है और इसमें रिलायंस की लगभग साझेदारी 99.99% ही है, और ऐसे में टी सीरीज के पास ये अधिकार है कि वो रिलायंस की फिल्मों पर होने वाली कमाई पर अपना अधिकार जमा सकता है। वहीं नेटफ्लिक्स की ओर से वकील का ये कहना है कि रिलायंस के साथ उनका ये समझौता टी सीरीज और रिलायंस के बीच मार्च में हुए लेटर से पहले ही हो चुका था और इसलिए नेटफ्लिक्स के अधिकारों पर कोई भी असर नहीं डाला जा सकता है। इस सब के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया कि यह नहीं कहा जा सकता कि अमर सिंह चमकीला को सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ने प्रोड्यूस किया है। जो भी सबूत साझा किए गए हैं उससे यही पता चलता है कि अमर सिंह चमकीला फिल्म को WSF यानी विंडो सीट फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है और ऐसे में फिल्म पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। कोर्ट ने रिलायंस को मामले की सुनवाई के दौरान बताई गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का निर्देश दिया है, जिसमें क्या क्या प्रतिबद्धताएं शामिल हैं आपको बता देते हैं। लाइसेंस शुल्क से 2% का एक निश्चित कमीशन, जिसे नेटफ्लिक्स से रिलायंस को मिलने वाली अंतिम किस्त से काटा जाएगा, और इसी के साथ साथ अमर सिंह चमकीला फिल्म से होने वाले मुनाफे का 50% सुपर कैसेटिस इंडस्ट्रीज के साथ, जो कि संगीत लेबर और फिल्म प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज संचालित करता है, उनके साथ शेयर किया जाएगा। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।